तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा वीडियो में कमेंट आ रहा था कि भैया अब जो है सो आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा क्या। इस तरह से काफ़ी भाई लोग जो है सो कमेंट कर रहे थे। करने का कारण एक ही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूट्यूब अगर आप कभी खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि NPCI का ये जो काम है वो बंद हो जाएगा। यानी कि आप लोग जो जो भी APS का काम करते हैं, जितने भी भाई APS संचालक है, उसको दोस्तों वीडियो बना बना के डराया जा रहा है। कुछ व्यूज के लिए दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा व्यूज के लिए वो डराया जा रहा है, इस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है यूट्यूब पे। तो दोस्तों आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को जो है सही जानकारी लेना है। सही जानकारी आपको दोस्तों NPCI का जानकारी है वो आपको गूगल में मिलेगा, और काफ़ी भाई लोग हैं जो सही तरीके से बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो पहले से डरा देते हैं। क्योंकि आप लोग का जो हमारा जो रोजी रोटी चलता है, जिससे हमारा दोस्तों हम कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, उसमें जो भी हमारा कमीशन होता है वही दोस्तों हमारा इनकम होता है। और अगर वही काम हमारा बंद हो जाएगा तो हम लोग जो है सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका समाधान है, क्योंकि अगर NPCI अगर ये काम तो पूरा जड़ से बंद नहीं करेगा, इसके पीछे दोस्तों बहुत कारण है जो NPCI ऐसा ऐसा कदम उठा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों NPCI ने जो है सो हर ट्रांजेक्शन के पीछे जो है सो एजेंट का वेरिफिकेशन के लिए मतलब उसमें जो है सो लगाया था, जिसमें कस्टमर का पैसा निकालने से पहले एजेंट का फिंगर लगा के जो है सो वेरिफिकेशन करना पड़ता था। उसके बाद जो है सो कस्टमर का फिंगर लगा के पैसा निकाला जाता था। लेकिन दोस्तों अभी क्या चल रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। इसके लिए दोस्तों NPCI जो है सो नया नया रूल लाते रहता है, और दोस्तों जो भी नया नया रूल NPCI लाएगा उसको हम लोग को जो है सो फॉलो भी करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी का क्या अपडेट है। तो अभी का दोस्तों यही अपडेट है कि मान लीजिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है सो पैसा नहीं निकल रहा था। कारण है दोस्तों, यही कारण है क्योंकि SBI वाले ने क्या किया है, स्टेट बैंक वाले ने क्या किया है कि जो APS का जो पैसा निकलता था, मान लीजिए कस्टमर कहीं भी कोई भी अपना CSP सेंटर में जाके वो आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते थे, लेकिन दोस्तों अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सो ये काम जो है सो बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों अभी जो है सो ये जड़ से नहीं बंद किया है, किसी किसी खाते में बंद हुआ है, किसी किसी कस्टमर के खाते में बंद हुआ है। लेकिन दोस्तों उसका भी सोल्यूशन है, वो कस्टमर जो है सो वो ब्रांच में जाएगा और वहाँ पे जो है सो जो भी वहाँ का प्रोसेस है, मान लीजिए अगर कस्टमर को फॉर्म भर के देना पड़ेगा ब्रांच में ये APS सर्विस के लिए, तो वहाँ पे कस्टमर को देना पड़ेगा। और दोस्तों उसका अगर कोई और अलग प्रोसेस होता है तो वो भी करना पड़ेगा। लेकिन APS का काम दोस्तों बंद नहीं होने वाला है। काफ़ी भाई लोग हैं जो घबरा गए हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के जो है सो परेशान हो गए हैं, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा तरीका बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे घुमा फिरा के बता दिया जाता है, क्योंकि वो सच में जो है सो टेंशन में पड़ जाते हैं। उसको लगता है कि अगर ये हमारा जो है सो आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला जो है सो काम बंद हो जाएगा तो फिर हमारा दुकानदार कैसे चलेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल आपको डरने घबराने की बात नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जो है सो 1 महीने में मतलब 2 बार ही पैसा आप निकाल सकते हैं, ऐसा जो है सो नियम लागू किया था, जिसमें आप एक बार जो है सो नॉर्मल APS के थ्रू निकाल सकते हैं और दूसरा जो है सो आधार पे के थ्रू निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ ना कुछ जो है सो NPCI ने चेंजेस करते रहता है, क्योंकि उन लोग का भी जो है सो सिक्योरिटी मामले में उन लोग भी करते हैं। क्योंकि आजकल जो है सो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, काफ़ी जो है सो APS वाले हैं जो कस्टमर के खाते से ज़्यादा पैसा निकाल ले रहे हैं, और वो एक दो की वजह से जो है सो काफ़ी लोग हमारे भाई है जो बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और 2 रुपये कमाते हैं, उसके ऊपर भी जो है सो गलत मतलब क्लेम लगाया जाता है कि सभी जो है सो APS वाले एक ही तरह के होते हैं। तो दोस्तों आप लोग का इस विषय में क्या कमेंट है, क्योंकि काफ़ी जो है सो यूट्यूबर है जो डरा डरा बता रहे हैं, मतलब डरा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप लोग को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर APS के थ्रू जो भी हमारा अपडेट आएगा वो मैं इस चैनल पे डालते रहूँगा, तो आप लोग जो इस चैनल में जुड़े रहिए और हमारा सभी वीडियो को देखा कीजिए। हम क्योंकि दोस्तों हम साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।